नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आपका हमारे केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हैं चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधारने वाले हैं और एक विशाल महारैली को संबोधित करने वाले हैं। एक भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में राजस्थान में योगी जी की लगातार रैलियां होने वाली है। इसी क्रम में रतनगढ़ भी वो पहुंच रहे हैं। आइए इस रैली का अवलोकन करते हैं और जानते हैं आदित्यनाथ जी, योगी जी क्या संदेश देकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रतनगढ़ से अभिनेश जी महर जी के समर्थन में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं और सभी यहां योगी आदित्यनाथ जी का यहां पर इंतजार हो रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ जी यहां विशाल सभा को संबोधित करेंगे। यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता योगी जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वो सोते नहीं है, ये रतनगढ़ की पूरी जनता जानती है। और मेरा उससे नारे लगाइए, मैं स्टेट सेक्रेटरी को कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नारे लगाकर उनको बता दीजिए कि आज की जनता, रतनगढ़ की जनता किस ढंग से, किस प्यार से, किस सम्मान के साथ आपका इंतजार कर रही है। आप आए हम गदगद हो गए, आप आए हम खिल गए। जैसे आम खिले हैं वैसे रतनगढ़ में कमल का फूल खिलेगा। भारत माता की हमारे बीच पधारे, हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब मैं सबसे पहले अभिनेश जी मैसी जो हमारे प्रत्याशी हैं, आपसे आगे करूंगा माला पहना के योगी जी का स्वागत करें। हमारे प्रत्याशी आदरणीय अभिनेश जी मैसी स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों से। आदित्य योगी रैसी, आदित्य योगी रैसी। मैं जिला जगदीश से निवेदन करूंगा वो भी माला पहना के स्वागत करे। अब जिनका हमें इंतजार था वो आज योगी आदित्यनाथ जी। जयकारा इतना जोर से लगना चाहिए कि लखनऊ होते हुए दिल्ली तक चला जाए। योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, वसुंधरा राजे जी, मदनलाल जी सैनी साहब, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अविनाश राय खन्ना जी, मनसा सिंह, सभी मंच पर विराजित अति सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने विशाल जनसमूह। मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अभिनेश महर्षि आज आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं आप लोगों को एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 15 सालों से आपके बीच में सेवक बनकर के काम कर रहा हूं या नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को बता दीजिए, हाथ खड़े करके बता दीजिए। तो आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, आने वाले 5 साल में आपका सेवक बनकर के ये अभिनेश महर्षि आपके बीच में काम करेगा। और 5 साल किसी तरह का कोई उलाना नहीं आने दूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, वसुंधरा राजे जी और तमाम बड़े नेताओं ने जो कल्याणकारी कार्य किए हैं उन सबको हम आगे बढ़ाएंगे, यही बात कहता हूं। और आप लोगों को एक अपील करना चाहता हूं कि भाइयों, अमित शाह जी और सारी टीम बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। मैं बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूं। आज संविधान दिवस है हमारा,
कोई भाषण नहीं, सेवक बनकर के काम करूंगा ये कह दिया है। और 15 साल से दुख पारे हो, एक बार दैया पार लगा दो, तकलीफ को नहीं दो, आई बात करो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच जिनका हमें सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार था, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका देश ही नहीं विदेश में भी नाम है, ऐसे योगी जी हमारे बीच पधारे हैं, एक झंडा नारा, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। साहित्य साधना के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था और गोरखपुर को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया था। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नाम पर उन्हें देश और दुनिया जानती है। ये रतनगढ़ उनकी जन्मभूमि भी है। मित्रों, साहित्य साधना की एक ऐसे तपस्वी की जन्मभूमि में आज मुझे आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी के समर्थन में अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं देख रहा हूं कितना उत्साह आप सब में है और आज आप सबके उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो चौथी बार लगातार सत्ता में आ रही है, लेकिन आप सबके उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि 11 दिसंबर का परिणाम राजस्थान में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनाने के लिए आपका जनादेश की ओर भी इशारा करता है। वास्तव में लोकतंत्र ने हम सब के पास ये ताकत दी है कि जनता के प्रति जवाबदेह सरकारों को हम हर 5 वर्ष में चुनने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर सके। और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी इसमें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया कांग्रेस ने। मित्रों, इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया लेकिन झूठे नारे और वायदे किए। ईमानदारी से कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया होता तो संभवतः बहुत सारी समस्याएं जो आज भी इस देश के अंदर बनी हुई हैं वे समस्याएं उस रूप में हमारे सामने नहीं होती। राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ लेकिन कांग्रेस ने विरासत में यहां पर केवल झूठे नारे दिए, गरीबी दी, खनन के लिए विख्यात इस राजस्थान की भूमि पर खनन माफियाओं को प्रश्रय दिया। और यही नहीं, जिस राजस्थान के सौर और पराक्रम का लोहा पूरा देश और पूरी दुनिया मानती है, उस राजस्थान ने, जिस राजस्थान ने शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संगम अपने अंदर समेटा हो, जिस राजस्थान की जवानी ने इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कांग्रेस ने इस देश की उस जवानी को भी अपमानित करने का कार्य किया। आतंकवाद को प्रश्रय देकर के, नक्सलवाद को प्रश्रय देकर के, इस देश के अंदर अलगाववाद को बढ़ा करके कांग्रेस आज भी जब नक्सलवादियों को कांग्रेस के नेता क्रांतिकारी कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस देश के जवानों की शहादत का अपमान करते हैं। कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, न नेता है, न नियत है, न विकास की कोई नेक नियति है।
कांग्रेस एक नेतृत्व विहीन दल है। मुझे तो आश्चर्य होता है, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता नहीं कहती है, कांग्रेस के नेता ही स्वयं कहने लग गए हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा है कि राहुल गांधी जहां कहीं जाएंगे कांग्रेस की हार पक्का करके जरूर आएंगे। और इसीलिए कोई व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी इसी राहुल गांधी की सभा को अपने आ नहीं चाहता, क्योंकि राहुल गांधी के आने का मतलब हार की पक्की गारंटी। और मित्रों, आज तो मैं देख करके ताजुब कर रहा था, गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी एक मंदिर में गए, भगवान सोमनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, लेकिन वहां उनका बैठने का जो तरीका था तो वहां के पुजारी को डांटना पड़ा, कहा भैया ये मंदिर है मस्जिद नहीं, पालती मार कर बैठो। और किसी मीडिया वाले ने उसको कवर कर दिया तो उन्होंने कहा कि भाई पुजारी आपको क्यों डांट रहा था, तो उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि देखो भाई मैं तो जनेऊधारी हिंदू हूं, जनेऊ पहनता हूं। तो उन्होंने कहा भी जनेऊ पहनना ना पहनना ये हिंदुओं के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है, आप पहनेंगे तो भी हिंदू हैं, नहीं पहनेंगे तो भी हिंदू हैं। लेकिन आज मैंने सुना कि राहुल गांधी ने अपना गोत्र भी बता दिया है। मित्रों, ये हम सबकी विजय है। याद करिए, राहुल गांधी के परनाना ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की चौथी पीढ़ी में राहुल गांधी पैदा होकर के अब कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूं। ये हमारी विजय है, जो हम सब कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमने बोलने में संकोच नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने किया। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि विकास और सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। याद करिए, अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से विकास किया होता तो मोदी जी को 2014 में आने के बाद इस देश के अंदर गरीबों के लिए जनधन योजना में बैंक खाता खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो मोदी जी ने आकर के 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा नहीं की होती, यह आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो मोदी जी को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो मोदी जी को 2014 में हर गरीब परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त में देने की आवश्यकता ही नहीं होती, हर गरीब परिवार को विद्युत कनेक्शन देने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। मित्रों, अगर हर गरीब परिवार को कनेक्शन देने का कार्य, हर विद्युत गरीब परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन या विद्युत कनेक्शन देने, या हर गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराने, और हर गरीब परिवार के पास उसका व्यक्तिगत शौचालय हो, यह न केवल स्वस्थ रहने के लिए बल्कि नारी गरिमा का सम्मान करने के लिए भी यह कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, बिना भेदभाव के किया। कांग्रेस तो महापुरुषों का अपमान करती रही, भरपूर अपमान करती रही। देश के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती रही, उन्हें संविधान सभा में वे न जाने पाए, इसके लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र किए, उन्हें भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस ने नहीं देने दिया। और यही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने में भी कांग्रेस ने सदैव हीनाहवाली की, या कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया।
इस देश के आज के भारतीय गणराज्य के शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। दुनिया के अंदर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके हुनर को एक मंच मिल सके, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राजस्थान के अंदर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, देश के अंदर हमारे पास एक नेता है, देश और दुनिया उनका सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ देश और दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की प्रतीक भी हैं। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा नेता आपके पास है? हमारे पास राजस्थान में नेता है श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारी नेता हैं मुख्यमंत्री के रूप में। 5 वर्ष का है यह कार्यकाल उनका, शानदार उपलब्धियों का कार्यकाल है। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी है, सचिन पायलट है, रामेश्वर डूडी है, या फिर अशोक गहलोत हैं? कौन है? कांग्रेस के नेता तो कहते हैं कि अशोक गहलोत बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं राहुल गांधी जवान है या बूढ़े हैं। यानी वे चारों नेताओं में किसी को भी कांग्रेस योग्य नहीं मानती। यानी कांग्रेस को वोट देने का मतलब बिना नेतृत्व के आप किसी का समर्थन करते हैं। तो मित्रों, त्रिशंकु जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता। नेतृत्व देखिए, पार्टी के नीति और सिद्धांतों को देखिए और फिर उस अभियान को आगे बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य, एक पढ़े लिखे, एक जनता के लिए समर्पित प्रत्याशी को, एक जुझारू प्रत्याशी को आपके बीच में उतारा है और वह प्रत्याशी आपके बीच में अविनेश महर्षि के रूप में, आप सबके सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। मित्रों, उनके पास सेवा का जज्बा है। ये सेवा कोई जबरदस्ती कोई थोप नहीं सकता, ये अंतःकरण के भाव है। अंतःकरण का अगर भाव है तो ही आप सेवा कर पाएंगे। अगर अंतःकरण का भाव ही नहीं है तो फिर ये उम्मीद करना कि कोई जबरदस्ती कर ले, कोई कहे कि राहुल गांधी सेवा करेंगे, क्या राहुल गांधी सेवा कर पाएंगे? जब भी देश पर संकट आता है, देश के अंदर कहीं बाढ़ आ गई, कहीं चक्रवात आ गया, कहीं भूकंप आ गया, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ होता है, एक भी जगह आपने राहुल गांधी को नहीं देखा होगा सेवा कार्यों में, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति नहीं है, वे सेवा में प्रवृत्त नहीं हो सकते। कांग्रेस का यह नियम ही नहीं, कांग्रेस का इस प्रकार का संस्कार ही नहीं कि वो जनता की सेवा कर सके। कांग्रेस तो इस देश में लूट मचाने वाली, देश में भ्रष्टाचार पैदा करने वाली, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली, देश में बंटवारे की राजनीति करने वाली पार्टी है। और इसलिए याद रखना, अपना वोट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हमें कार्य करना चाहिए और निश्चित उद्देश्य हमारे लिए राष्ट्र धर्म से बढ़कर के दूसरा नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रहा है। उस राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित इस अभियान के लिए शिवनेश महर्षि को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके पास भेजा है। सेवा का एक लंबा अनुभव, कार्य करने का एक जज्बा, एक परंपरा के साथ जुड़े हैं। यहां पर चैरिटेबल संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वह स्कूली शिक्षा का हो, लोक कल्याण के कार्यों का हो, छात्र राजनीति के माध्यम से,
आज जनता की राजनीति करने के लिए आपके बीच में उतर करके उनके द्वारा जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी परिवार आज उनका स्वागत भी करती है। और आप सबसे अपील इस बात को लेकर के करने के लिए मैं आया हूं कि मित्रों, इतनी भारी संख्या में आप यहां पर हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हमारे पूज्य संतगण हैं, इतनी भारी संख्या में है और इतनी भारी संख्या में होने के नाते मैं आप सबसे एक ही अपील करूंगा, और वह अपील है कि एक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक मतदाता अपने साथ 10 नए मतदाताओं को जोड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर अपना वोट पोल करवा दे, तो मित्रों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अविनेश महर्षि के सामने जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग तो चुनाव में इसलिए लड़ रहे हैं कि वे चुनाव में आकर के केवल वोट कटवा का काम करेंगे, और केवल चुनाव लड़ने के लिए इसलिए आ रहे हैं जिससे वोट खराब किए जा सके। मित्रों, लोकतंत्र हमारे लिए मजाक का तंत्र नहीं हो सकता, ये तंत्र हमारे लिए विकास और सुशासन का तंत्र बनना चाहिए, हमारी समृद्धि का, हमारी खुशहाली का तंत्र बनना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के स्वर्णिम भविष्य का तंत्र बनना चाहिए, एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को उनके स्वर्णिम भविष्य की, स्वर्णिम भविष्य का एक विश्वास दिला सकें, और लोकतंत्र को उस विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरना पड़ेगा। एक एक मतदाता को अपने वोट की कीमत को समझना पड़ेगा, एक एक मतदाता को इस जवाबदेही के साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा। कब तक आखिर जातिवाद की राजनीति होगी, कब तक क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को पटने देंगे? क्या जातिवाद, क्या क्षेत्रवाद, क्या भाषावाद हमें खुशहाली दे पाएगी? क्या विभाजन की राजनीति हमारे जीवन में खुशहाली ला पाएगी? कभी नहीं ला पाएगी। क्या ये विभाजन की राजनीति नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाओं को उपलब्ध करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। कांग्रेस तो यही करती रही, आजादी के बाद 54-55 वर्षों तक देश के अंदर शासन कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस केवल विभाजन की इस राजनीति के आधार पर समाज को लॉलीपॉप खिलाती रही। मित्रों, तो बंद होना चाहिए, और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, एक अवसर हम सबके पास है, लोकतंत्र 5 वर्षों में हमें अवसर देता है, और इन 5 वर्ष के इस अवसर का लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी के पक्ष में जनता जनार्दन करे, मतदाता करे, कोई कारण नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी जवाबदेही के साथ जनता के बीच में कार्य करके उन्हें यह अवसर दे। मैंने देखा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद मैं यहां आया हूं, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। आप अनुमान करिए, आज से 15 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कहां था? हमारे जो हिंदी भाषी 4 प्रमुख राज्य थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक शासन किया और इन 4 राज्यों को बीमारू राज्य बनाया था, न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्कूली शिक्षा, न स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था, न सुरक्षा की कोई सुदृढ़ व्यवस्था। कहीं नक्सलवाद दस्तक दे रहा था, कहीं आतंकवाद दस्तक दे रहा था, कहीं पर ISI सिर चढ़ करके बोल रही थी, पर्व और त्योहार आते थे, प्रत्येक हिंदू सहम जाता था, हम दीपावली कैसे मनाएंगे, विजयादशमी कैसे मनाएंगे, होली कैसे मनाएंगे, क्योंकि दंगों का भय जो था, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की राजनीति खेली थी, वे राजनीति इस देश में विभाजन की नींव को सुदृढ़ किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से उभारी है,
केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने पर विकास की नई नई योजनाएं बनी हैं, लोक कल्याण की नई नई योजनाएं बनी हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर व्यापक परिवर्तन वहां होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश आपके राजस्थान में विगत 5 वर्षों में 3.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां उपलब्ध होना, किसानों को नई नई योजनाओं के साथ जोड़ना, हर गरीब के पास उसका आवास हो, हर गरीब के पास उसका शौचालय हो, हर गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन और रसोई गैस का कनेक्शन हो, यह कार्य सफलतापूर्वक श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में करके दिखाया है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि विधानसभा के चुनाव में हम सबको एक बार पुनः श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी बनानी चाहिए। ये विकास के लिए स्थिरता चाहिए और स्थिरता के लिए हम सबको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजना होगा। और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग के प्रत्याशी शेरनेश महर्षि के रूप में आपके बीच में दिया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह राजस्थान की समृद्धि का प्रतीक है। और याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बजरंग बली की भूमिका में अपने को तैयार करे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस अभियान के प्रति जैसे बजरंग बली ने संकल्प लिया था कि राम काज केने बिनो मोई कहां विश्राम, और ऐसे ही आपको भी उसी बजरंगी संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। एक ही संकल्प होगा और असंकल्प होगा जब तक प्रत्येक मतदाता यहां पर उपस्थित, प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक कार्यकर्ता जब तक अपने साथ 10-10 मतदाताओं को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर वोट पोल न करवा दें, तब तक वह विश्राम नहीं लेगा। यही अपील आप सबसे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शेरनेश महर्षि को भारी मतों से कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिताने की अपील करते हुए पानी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। सारे लोग हाथ खड़े करके बताएं योगी जी को।